नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। वाराणसी में ज्ञान व्यापी श्रृंगार गौरी परिसर में सर्वे और वीडियोग्राफी के दौरान ज्ञान व्यापी मस्जिद के पास दो स्वास्तिकों के निशान देखे गए। हालांकि शनिवार को विरोध के बीच प्रशासन की तरफ से इस अभ्यास को रोक दिया गया। कोर्ट कमिश्नर की टीम ने वीडियोग्राफर्स ने बताया है कि जब वो सर्वेक्षण कर रहे थे तो उन्हें मस्जिद के बाहर दो फीके लेकिन सुपाठ्य स्वस्तिक मिले हैं। उन्होंने कहा है कि स्वस्तिक संभवत प्राचीन काल में बनाए गए थे। भारतीय जनता पार्टी नेता तजिंदर पाल बग्गा को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से शनिवार को देर रात बड़ी राहत मिल गई। मोहाली कोर्ट की तरफ से जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट के खिलाफ दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने अगले आदेश तक किसी भी एक्शन पर रोक लगा दी है। इसका अर्थ हुआ कि अगली सुनवाई तक पंजाब पुलिस तजिंदर पाल बग्गा को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली नहीं आ सकती। हाईकोर्ट के आदेश पर बग्गा के पिता ने भी खुशी का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि मेरे बेटे के साथ आतंकी की तरह व्यवहार किया गया। उत्तर प्रदेश में सत्ता में लौटने के लगभग दो महीने बाद भारतीय जनता पार्टी संगठन में बड़े पैमाने पर बदलाव करने जा रही है। इसमें अध्यक्ष और महासचिव के पद सहित शीर्ष पदों पर बदलाव शामिल है। इसके संकेत इस बात से मिल रहे हैं कि यूपी भाजपा ने फिलहाल आने वाले दिनों के लिए किसी भी नए संगठनात्मक कार्यक्रम की योजना नहीं बनाई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी की दिल्ली इकाई में आम आदमी पार्टी पर हमला तेज करने को कहा है। इसके साथ ही नड्डा ने दिल्ली के नेताओं से दिल्ली सरकार की कमियों को उजागर करने को भी कहा है। नड्डा को शनिवार को दिल्ली भाजपा नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ पंजाब पुलिस की कार्रवाई के बारे में जानकारी दी गई। गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है। इससे पहले राज्य में मतदाता आधार को मजबूत करने की कवायद शुरू हो चुकी है। राजनीतिक दल आदिवासी आबादी को लुभाने के प्रयास में लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दाहोद में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और पिछले महीने आदिजाति महासम्मेलन में भाग लिया। वहीं आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने भारतीय ट्राइबल पार्टी प्रमुख के साथ भरूच में आदिवासी समुदाय की बैठक को संबोधित किया। दिल्ली NCR, यूपी, बिहार, राजस्थान समेत कई राज्यों में गर्मी और लू का दौर भी शुरू हो गया है। बीते दिनों अलग अलग इलाके में हुई छिटपुट बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है, लेकिन मौसम का मिजाज फिर बदल रहा है। देश के कुछ हिस्सों में जहां तापमान में बढ़ोतरी के आसार है, वहीं कुछ इलाकों में रविवार को भी मौसम शुष्क रह सकता है। आंध्र प्रदेश और ओडिशा के समुद्री तटों की तरफ से चक्रवाती तूफान भी तेजी से बढ़ रहा है। चीन अपने सैन्य ताकत में लगातार इजाफा कर रहा है, ये भारत से भी छुपा नहीं है। इसी को लेकर रक्षा मंत्रालय का साफ तौर पर मानना है कि चीन वास्तव में अमेरिका की बराबरी कर रहा है। इसके चलते चीन और पाकिस्तान में जिस प्रकार दोहरे मोर्चे पर खतरा उत्पन्न हो चुका है, उसके हिसाब से वायुसेना के पास लड़ाकू विमानों की कमी है। रिपोर्ट में दर्ज ब्यौरे के अनुसार संसाधनों की कमी और आसन्न दोहरे मोर्चे वाली चुनौती का मामला यहीं पर नहीं थमा। रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि ने कहा है कि चीन बहुत ज्यादा रक्षा पर खर्च कर रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर से पिछले 24 घंटे में 1400 नए कोविड-19 केस आए हैं। इसके अलावा दो लोगों की जान गई है। हालांकि संक्रमण दर में गिरावट जरूर सामने आई है। संक्रमण दर पिछले रोज की तुलना में 5% से 4% पर आ गई है। दिल्ली स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1407 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 1546 लोग कोरोना से ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। अमेरिका में काफी संख्या में ऐसे भारतीय रहते हैं जो वहां बस गए हैं या नौकरी और पढ़ाई के वीजा पर रह रहे हैं। इनमें काफी लोग रुपयों का लेन देन भारत से करते हैं। ऐसे में भारत अमेरिका पैसा अमेरिका भेज जाता है और वहां पर डॉलर में बदल कर ये मिलता है। इसी वजह से हर रोज भारतीय करेंसी रुपये और अमेरिकन करेंसी में थोड़ा बहुत बदलाव देखा जाता है, लेकिन इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम हर रोज आपको एक्सचेंज रेट में दोनों करेंसी का भाव बताते हैं, जिसमें भारत से आया पैसा US डॉलर में कन्वर्ट कराने में आप परेशान ना हो। अगस्त महीने में होने वाले राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए भाजपा ने कसरत शुरू कर दी है। भाजपा के लिए हालांकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव जीतना काफी आसान है, लेकिन फिर भी वो कोई जोखिम नहीं लेना चाहते। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहले पड़ाव के लिए बिहार CM नीतीश कुमार से मुलाकात की। भारत में कोविड-19 के 3451 नए मामले आने से देश में अब तक संक्रमितों की संख्या 4,31,02,194 पर पहुंच गई है। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 20,635 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के रविवार सुबह 8 बजे तक अद्यतन आंकड़ों के अनुसार संक्रमण से 40 और मरीजों के जान गंवाने से देश में मृतकों की संख्या बढ़कर 5,24,064 हो गई है। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या संक्रमण के कुल मामलों का 0.05% है, जबकि कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की राष्ट्रीय दर 98.74% है। मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 332 की वृद्धि देखी गई है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की एक नवीनतम रिपोर्ट में पाया गया है कि परिवार नियोजन के लिए महिलाओं के बीच गर्भ निरोधक विधियों का उपयोग मेघालय में सबसे कम है। इसके बाद मिजोरम और बिहार का स्थान है। राज्यों में गर्भ निरोधक विधि का उपयोग मेघालय में 27%, मिजोरम 31% और बिहार 56% में सबसे कम है, जबकि ओडिशा और हिमाचल प्रदेश में ये 74% है।
बद्रीनाथ धाम के कपाट आज 8 मई को ब्रह्म मुहूर्त में 6:15 पर खोल दिए गए हैं। अगले कुछ 6 महीने श्रद्धालु मंदिर में भगवान बद्रीनाथ के दर्शन कर सकेंगे। इस पावन मौके पर साक्षी बनने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु बद्रीनाथ पहुंचे हैं। रविवार सुबह बद्री विशाल मंदिर के कपाट खुलते ही जय बद्रीनाथ के जय घोष से धाम गुंजायमान हो उठा। धाम में पहली पूजा और महाभिषेक पीएम नरेंद्र मोदी के नाम से किया गया। उनकी तरफ से विश्व कल्याण और आरोग्यता की भावना से पूजा अर्चना एवं महाभिषेक समर्पित की गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शनिवार को घोषणा की कि बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान ओडिशा या आंध्र प्रदेश में दस्तक नहीं देगा, लेकिन तट के समानांतर आगे बढ़ेगा। आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा है कि तूफान उत्तर पूर्व की तरफ मुड़ेगा और उत्तर आंध्र ओडिशा तट के पास से उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ेगा। महापात्र ने यह भी कहा कि यह अब उत्तर पश्चिम दिशा में तट की तरफ बढ़ रहा है। चीन के विभिन्न शहरों और प्रांतों में कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद सरकार की सख्ती काफी बढ़ गई है। राजधानी बीजिंग में कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार ने सभी की जांच कराने का फैसला लिया है। इसके लिए लोगों को जबरन बुलाया जा रहा है। आलम यह है कि कोरोना जांच केंद्रों के बाहर लंबी लाइनें लगी है, जहां पर अपनी बारी का इंतजार करने के लिए लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। सरकार और शहरी प्रशासन का कहना है कि वो नहीं चाहती है कि यहां पर शंघाई जैसा ही माहौल हो और लॉकडाउन लगाना पड़े। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज भारतीय प्रबंधन संस्थान नागपुर के स्थायी परिसर का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति कोविंद ने उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि अब इस संस्थान से निकला हर छात्र बहुत ही काबिल बनने वाला है। उन्होंने कहा है कि यहां से निकलकर मुझे विश्वास है कि IIM नागपुर का पारिस्थितिकी तंत्र छात्रों को नौकरी तलाशने के बजाय नौकरी देने वाला बनने की मानसिकता प्रदान करेगा। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी में जुटे उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के 4000 पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों के चयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवेदन किए उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी किए गए हैं। ऐसे में उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट recruitment2.rajasthan.gov.in पर दिए गए लिंक से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। विश्लेषकों का कहना है कि इस सप्ताह वैश्विक बाजारों के रुझान मुद्रास्फीति औद्योगिक उत्पादन डेटा और तिमाही आय इक्विटी बेंचमार्क की गति को निर्धारित करेगा। विश्लेषकों ने कहा है कि वैश्विक स्तर पर व्यापक आर्थिक आंकड़ों की घोषणा के बीच भी अस्थिरता जारी रह सकती है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि विदेशी फंड मूवमेंट कच्चे तेल की कीमतें और रुपयों के रुझान भी इक्विटी बाजार के लिए प्रमुख चालक के रूप में काम करेंगे। दुनिया भर में 8 मई को मदर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस मौके पर बॉलीवुड सेलेब्स अपनी मां के साथ अनदेखी तस्वीर साझा करके अपने फैंस को मदर्स डे की शुभकामना दे रहे हैं। एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने अपनी मां सोनी राजदान और सासू मां नीतू कपूर के साथ तस्वीर साझा की है, जिसमें अपनी दोनों मां के साथ मदर्स डे सेलिब्रेट करती दिखाई दे रही है। व्हाट्सएप की तरफ से ग्रुप यूजर की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी। रिपोर्ट की माने तो मौजूदा वक्त में व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकतम 256 यूजर्स को जोड़ा जा सकता है, लेकिन कई बार ये संख्या ज्यादा हो जाती है। ऐसे में एक ही काम के लिए दो व्हाट्सएप ग्रुप बनाने होते हैं, साथ ही उन्हें अलग अलग अपडेट और मैनेज करना होता है, लेकिन जल्द ही इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। दरअसल व्हाट्सएप की तरफ से ग्रुप यूजर की संख्या में 256 से बढ़ाकर 512 किया जाएगा। आतंकी संगठन अलकायदा सरगना आयमान अल जवाहिरी ने भारत के खिलाफ एक बार फिर जहर उगला है। जवाहिरी ने कश्मीर पर एक और वीडियो संदेश जारी किया है। इस वीडियो में उसने कहा है कि जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 का हटना मुसलमानों के मुंह पर तमाचा है। जवाहिरी ने इससे पहले कर्नाटक हिजाब विवाद को लेकर भी बयान जारी किया था। बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आई है। बिहार के मशहूर होम्योपैथ डॉक्टर बी भट्टाचार्य का निधन हो गया है। रविवार की सुबह 7:30 पर उन्होंने पटेल नगर स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली। डॉक्टर बी भट्टाचार्य का निधन 97 साल की उम्र में हुआ। वो बिहार के मशहूर चिकित्सक थे। उन्होंने गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए विख्यात प्राप्त की थी। रसोई गैस की बढ़ती कीमत को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया लगातार आ रही है। मामले को लेकर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की पत्नी सुलक्षणा सावंत ने कहा है कि एलपीजी सिलेंडर के दाम में वृद्धि राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक वैश्विक घटना का हिस्सा है, और उन्होंने विश्वास जताया है कि सरकार जल्द ही इसका कोई हल लेकर आएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने शनिवार को कहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 14वें सम्मेलन में एक प्रस्ताव पारित किया गया है और हम भारत में कोविड-19 के कारण जान गंवाने के मामले में WHO के अनुमान से सहमत नहीं है। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक पाकिस्तानी ड्रोन को भारतीय सीमा के पास देखा गया। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने इस पाकिस्तानी ड्रोन को देखते ही उस पर फायरिंग शुरू कर दी। जैसे ही BSF के जवानों ने फायरिंग शुरू की, ड्रोन वापस पाकिस्तान की सीमा में लौट गया। भारत में 15 से 49 साल उम्र के केवल 32% विवाहित महिलाओं के पास रोजगार है। हालांकि इनमें से 83% को नकद आय होती है, जबकि 15% को कोई भुगतान नहीं किया जाता। ये खुलासा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 में हुआ है, जो साल 2019-21 के दौरान कराया गया था। ईंधन की कीमतें बढ़ाए जाने पर ममता बनर्जी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी नीत केंद्र सरकार ईंधन की कीमतों में नियमित रूप से इजाफा करके देश की जनता का उत्पीड़न कर रही है।
दिल्ली भाजपा नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने रविवार को एक वीडियो जारी कर पंजाब पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारी मामले में अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा है कि पंजाब पुलिस द्वारा कराई गई इस कार्रवाई से अगर अरविंद केजरीवाल ये सोचते हैं कि सत्ता और पुलिस के बल पर भाजपा कार्यकर्ताओं को डरा और झुका सकते हैं तो फिर मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। मैं उनको कहता हूँ कि एक नहीं 100 FIR कर लीजिए, हम पीछे हटने वाले नहीं है। भारतीय पुलिस सेवा के 8 अफसरों का तबादला कर दिया गया है। बिहार के नवादा, बांका, मधुबनी, अरवल और लखीसराय के पुलिस अधीक्षक भी बदल दिए गए हैं। इस संबंध में गृह विभाग ने शनिवार को देर रात इसकी अधिसूचना जारी की है। जानकारी के अनुसार बिहार पुलिस अकादमी राजगीर के सहायक निदेशक हिमांशु शंकर त्रिवेदी को अरवल का नया पुलिस निरीक्षक बनाया गया है। इसी तरह बांका के पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार गुप्ता को बिहार पुलिस अकादमी के सहायक निदेशक की नई जिम्मेदारी दी गई है। 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादों पर बिहार में प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। बिहार सरकार ने कहा है कि इससे पहले व्यापारी अपने पास मौजूद इस श्रेणी के उत्पाद को हर हाल में खत्म कर ले। 1 जुलाई से इस मामले में किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल रोकने के लिए सरकार संकल्पित है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है कुंदन कुमार यादव, अंकित क्रिएशन, नेहा सिंह, शत्रुघ्न चौहान, स्वीटी मेहता, दिव्यांशु कुमारी, चंदन कुशवाहा, विजय घायल, रणधीर कुमार, अभिमन्यु यादव, रंजन दीवाना। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हमारे दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार IPL के अब तक के मौजूदा मैच को देखते हुए किस टीम के इस बार जीतने की सबसे ज्यादा संभावना नजर आ रही है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।